गैलेक्सीज मुख्तलिफ शेप्स और साइज़ की होती हैं, लेकिन आज हम जिस गैलेक्सी के बारे में बात करेंगे वो एक्स शेप्ड गैलेक्सी है। और नहीं यार, तेरी एक्स या हर थां ते आशिकी मशूकी वाड़ देने। मैं नहीं। ब्लैक होल्स पल्सार्स की तरह अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से एस्ट्रोनॉमिकल गैसेस रिलीज करते हैं, और इस फिनोमिना को हम एस्ट्रोनॉमिकल जेट्स कहते हैं। ये बहुत लंबी गैसेस की बीम्स होती हैं जो कई कई हज़ार लाइट ईयर्स पे इनका फासला होता है। इसके इसकी जो रफ्तार होती है वो तकरीबन लाइट की स्पीड के करीब करीब होती है। इसलिए इसके अंदर जो गैस पार्टिकल्स होते हैं या जो इनके पार्टिकल्स होते हैं अंदर वाली साइड पे, वो काफ़ी स्लो टाइम में मूव कर रहे थे। उनके लिए टाइम जो है ना वो बनिस्बत बाहर वाले पार्टिकल्स के स्लो मूव कर रहा होता है। इसलिए जब इन्हें इंटरेक्ट या रिएक्ट करने का मौका मिलता है तब तक ये बहुत दूर निकल चुके होते हैं, कई हज़ार लाइट ईयर्स दूर। इसीलिए बड़ी बड़ी लंबी बीम्स की सूरत में नज़र आ रहे होते हैं। बेसिक इन सिंपल वर्ड्स, ये जो जेट पार्टिकल्स हैं, गैसेस के पार्टिकल्स हैं, ये लाइट की रफ्तार के करीब करीब सफ़र कर रहे होते हैं। इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो स्लो मूव कर रहे होते हैं। उनके लिए टाइम स्लो होता है, टाइम डायलेशन होती है, और इसीलिए जब उन्हें इंटरेक्ट या रिएक्ट करने का मौका मिलता है तब तक वो कई हज़ार लाइट ईयर्स दूर चले गए होते हैं। इसलिए ब्लैक होल के ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड से ये एस्ट्रोनॉमिकल जेट्स निकल रहे होते हैं। लेकिन एक्स शेप गैलेक्सीज का कोई आइडिया नहीं था कि ये इस तरह की क्यों होती हैं। इनों में जो ब्लैक होल होता है वो सब बजाय के एक टॉप से और एक बॉटम से एस्ट्रोनॉमिकल जेट्स निकले, ये बूमरैंग शेप्ड जेट क्यों होते हैं, जो कि एंड अप बीइंग एक्स शेप्ड। और मज़े की बात यह है कि ये ज़्यादा कॉमन है बनिस्बत के टू साइडेड एस्ट्रोनॉमिकल जेट्स के, इनों के चार साइडेड होते हैं। जितनी भी अब तक गैलेक्सीज ऑब्जर्व की हैं उन्होंने, एस्ट्रोनॉमिकल जेट्स जो हैं वो एक्स शेप्ड ज़्यादा कॉमन है। इसको समझने के लिए साइंसदानों ने रेडियो वेव टेलीस्कोप मीयर कैट, जो कि अफ्रीका में वाक़ है, टेक्निकली आसमान के एक हिस्से को जूम करके उन्होंने देखा एक गैलेक्सी जिसका नाम PKS 2014-55 है, उस पर जूम करके उन्होंने देखा कि ये इस तरह क्यों है। उसमें एक कुछ चीज़ें वाजह हुई, एक तो जो पार्टिकल की एजेस थी वो एक दूसरे से डिफरेंट थी, मुख्तलिफ हिस्सों की एज एक दूसरे से डिफरेंट थी, कुछ ज़्यादा ओल्ड थे और कुछ ज़्यादा नए थे। और इससे ये कंक्लूड हुआ कि यूजुअली जब ये एस्ट्रोनॉमिकल जेट फिनोमेना शुरू हुआ तो ये सिंपली एक बीम की तरह निकले और बाद में किसी स्पेस में किसी खलाई मटेरियल ने, किसी मीडियम ने इन्हें रोका, जिसकी वजह से ये वापस ब्लैक होल में गिरने लगे। और ब्लैक होल की बड़ी डेंस ग्रेविटी की वजह से जो एक्रीशन डिस्क बनती है उसकी वजह से ये बैंड हो गए दोनों तरफ से, जिसकी वजह से ये टू साइडेड के बजाय फोर साइडेड एस्ट्रोनॉमिकल जेट्स बन गए। टू पुट इट सिंपली, सिंपल वर्ड्स में, ये एस्ट्रोनॉमिकल गैसेस का जेट बिल्कुल सीधी लाइन में ही जाता है, लेकिन कोई खलाई मीडियम इन्हें रोक देता है और ये वापस ब्लैक होल में गिरने लग पड़ते हैं। और ब्लैक होल की जो ग्रेविटी है वो इन्हों को डायरेक्ट करके दूसरी डायरेक्शन में भेज देती है, जिस तरह मैं आपको दूसरी एपिसोड में भेज रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में बल्कि कमेंट्स में पिंड कमेंट है, उसमें भी लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और एपिसोड 1 का भी उसमें लिंक है। इवन के ये प्लेलिस्ट है, यू कैन गो बैक एंड फोर्थ। और फोर्थ एपिसोड में मैं आपको बताता हूँ, और फोर्थ एपिसोड में है रेड रेक्टेंगुलर नेबुला। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और फोर्थ एपिसोड में है रेड